फ्रेंड्स, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब आज़ादी के ठीक बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर उसके काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, जिसे कि आज हम POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तब PM नेहरू ने इंडियन आर्मी को लड़ाई के लिए आगे बढ़ने नहीं दिया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब इस मसले का हल UN सुलझाएगा। जब मामला UN में गया तो UN ने दोनों देशों के बीच सीज फायर घोषित कर दिया और ये ऑर्डर दे दिया कि जिस देश की आर्मी जहाँ है वो वहीं रहेगी। और तब से ही पाकिस्तान कश्मीर के इस बड़े भाग पर कब्ज़ा बनाकर बैठा है, जिसे कि हम सभी POK के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत में तब से लेकर अब तक काफ़ी सरकारें आई और गईं, सेना भी काफ़ी मजबूत हो गई, लेकिन फिर भारत ने आज तक POK को वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं और आज इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण कारणों पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर एक, हाई टेरेन। POK का इलाका काफ़ी ऊंचाई पर बसा है। अगर इंडियन आर्मी यहाँ घुस भी जाती है तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के रास्ते POK जाने में सिर्फ पहाड़ी इलाके आते हैं, जबकि पाकिस्तान के रास्ते POK पहुँचना काफ़ी आसान है। नंबर दो, डेमोग्राफी। POK के लोग एंटी इंडियन और प्रो पाकिस्तानी सेंटीमेंट्स वाले हैं। अगर भारत POK पर कब्जा कर भी लेती है तो ये लोग भारत के साथ कभी नहीं आएंगे। और तो और, उनके आने से देश और घाटी में आतंकवाद भी काफ़ी बढ़ सकता है। ये लोग पाकिस्तान के इशारों पर चलकर हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। नंबर तीन, न्यूक्लियर पावर। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक POK एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर भारत POK पर अटैक कर दे तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स मिल सकते हैं और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब सरकार इतने छोटे से एरिया के लिए इतना ज़्यादा नुकसान उठाने का रिस्क नहीं लेना चाहती। नंबर चार, चाइनीज सपोर्ट। चाइना का सारा सामान पाकिस्तान POK होकर ही जाता है और POK पर भारत का कब्जा होने से चाइना को व्यापार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में वो पाकिस्तान की मदद ज़रूर करेगा। तो इन सभी वजहों से भारत ने कभी POK को वापस लेने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर उस वक्त ही इस मामले को UN ना ले जाया जाता। तो ये थे कुछ कारण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इन कारणों का पता लग सके। तब तक के लिए गुड बाय, और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।